जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, 21 और 22 सितंबर को एक बार फिर से जेएसएससी सीजीएल यानी झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस परीक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की गुरुवार को, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षा के संचालन के लिए जेएसएससी ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है, जिसको एसओपी कहते हैं, उसका हर हाल में पालन होना चाहिए और परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित होटलों, लॉज, हॉस्टल्स, गेस्ट हाउस आदि में एसओपी की प्रतियाँ चिपकाई जानी चाहिए। संस्थानों के मालिकों को नियमों की जानकारी दी जानी चाहिए। अफवाह फैलाने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने का भी निर्देश दिया और कहा कि परीक्षा केंद्रों पर डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल न हो, यह सुनिश्चित कर दें। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे चालू रखे जाएँ और मेन गेट पर भी क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमरेज लगाए जाएँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि पेपर लीक से संबंधित कोई अफवाह न फैले, और कदाचार मुक्त परीक्षा कराना प्राथमिकता है, किसी भी स्तर पर चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि ये कोई मैट्रिक, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन की परीक्षा नहीं है कि इसमें कदाचार होगा, मोबाइल से, गैजेट से या कोई चिट्ठा ले जाकर जेएसएससी की परीक्षा में, खास करके सीजीएल जैसी परीक्षा में कदाचार नहीं होता है। ये कदाचार बिल्कुल अंदर के लेवल पर होता है। हमने देश में भी और झारखंड में भी जो पेपर लीक के मामले देखे हैं और जो कदाचार के मामले देखे हैं, उन सभी मामलों में एजेंसी की भूमिका बहुत संदिग्ध रही है और आयोग से जुड़े कुछ लोगों की भूमिका भी संदेह के दायरे में आई है। कुछ ऐसे लोगों की भूमिका भी आई है, पिछले जो सीजीएल का पर्चा लीक हुआ था, जो सरकारी व्यवस्था से जुड़े थे, विधानसभा के अधिकारी थे। एक तो झारखंड विधानसभा के अधिकारी और उनके बेटों का नाम सामने आया था, उनका एक दामाद भी बिहार विधानसभा का कर्मचारी था। तो ऐसे लोग जो सिस्टम के अंदर घुसे रहते हैं और जिनकी एजेंसियों तक पहुँच होती है, वही व्यवस्था जो है जो कदाचार रोकने के लिए बनाई जाती है, वही व्यवस्था कदाचार कराती भी है। और पूरे देश में ये देखा गया है, या तो परीक्षा कराने वाली एजेंसी या परीक्षा का ठेका लेने वाली एजेंसी, यानी जो आयोग हैं या जो एजेंसी है या जो संस्थाएं हैं, उनके अधिकारियों की मिलीभगत होती है, और फिर जो परीक्षा लेने के लिए जो एजेंसी बहाल की जाती है ठेके पर, उसके लोग शामिल होते हैं। ये नॉर्मल परीक्षाओं की तरह कोई चीट ले जाकर, कोई पुर्जा, कोई फर्रा ले जाकर नहीं चीटिंग हो सकती है ऐसी परीक्षाओं में। पेपर लीक का भी जो मामला जेएसएससी सीजीएल के समय सामने आया था, वो मामला ये था कि कुछ छात्रों से पहले ही पैसों की डील कर ली गई थी और उनको रांची से बाहर ले जाकर या झारखंड से बाहर ले जाकर क्वेश्चन पेपर रटवाए गए थे। इसी क्रम में कुछ लोगों को क्वेश्चन मिल गए और उन्होंने दूसरे लोगों को फॉरवर्ड करना शुरू किया और इस तरह से ये प्रमाणित हुआ कि पर्चा पहले लीक हो गया था। सेंटरों से पर्चा लीक नहीं होता, तो आधे घंटे पहले पर्चा लीक होने से किसी छात्र को कोई फ़ायदा नहीं होता है, खास करके जब लगातार तीन पेपर की परीक्षा हो। तो ये पहले से होता रहता है। और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा, मैं तो सभी छात्रों को शुभकामना देना चाहूँगा कि कल और परसों जो दो परीक्षाएं हैं, शनिवार और रविवार को, 21 और 22 को, ये कम से कम हो जाए, क्योंकि अब तो इंतहा हो गई है। अब इससे ज़्यादा कोई हद नहीं हो सकती है, इससे ज़्यादा कोई हाइट नहीं हो सकती है। 2016 से परीक्षा एक आयोग ले नहीं पा रहा है, 2024 का सितंबर महीना बीत गया है और सिर्फ 3 महीने बच रहे हैं 2024 का साल ख़त्म होने में। जैसे कि उम्मीद है आने वाले कुछ दिनों में, 20-25 दिन के बाद, दुर्गा पूजा, दिवाली के बाद, हो सकता है कि चुनाव की घोषणा हो जाए। तो सीजीएल की अगर परीक्षा हो भी जाती है तो क्या इसका रिजल्ट निकल पाएगा? तो और क्या हेमंत सोरेन ही नियुक्ति पत्र बांटकर चुनाव में जाएंगे? ये भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। मुझे बहुत कम संभावना इस बात की दिखाई देती है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा के बाद इसका रिजल्ट भी आ जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाए और
नियुक्ति पत्र भी बांट दिए जाएं, क्योंकि नगरपालिका सेवा की परीक्षा का रिजल्ट 10-11 महीने हो गए, आईटीआई इंस्ट्रक्टर की परीक्षा हुए 10-11 महीने हो गए, इन दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो कुल मिलाकर राज्य में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं हेमंत सरकार जो अपनी कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं उसमें वे कहते हैं कि नौकरियां हम ही ने दी हैं पहले भी और हम ही देंगे, लेकिन जब नंबर्स की बात आती है, जब काउंटिंग की बात आती है कि कितनी नौकरियां दी गई हैं, तो ये पता चलता है कि कुल 5 साल में 10,000 से भी कम नौकरियां दी गई हैं इस सरकार में जो वैकेंसी निकली थी उसको। पिछली सरकार की कुछ वैकेंसियों में जो मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित थे उनकी नियुक्तियाँ हुई हैं, लेकिन वो क्रेडिट सरकार को नहीं जाता है। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार के रहते ही दो बार पेपर लीक की घटनाएं हुई। पहले जेएसएससी जेई का पर्चा लीक हुआ, उसके बाद सीजीएल का पर्चा लीक हुआ, उसके बाद जेएसएससी पीजीटी की परीक्षा में धांधली की बात आई। एक ही सेंटर से सीरियल नंबर में अभ्यर्थियों के पास होने की जो खबरें आ रही हैं, जेपीएससी का मसला है, जेपीएससी की मेंस परीक्षा का रिजल्ट लटका हुआ है क्योंकि वहाँ अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। तो अभी 2 दिन पहले मैं हेमंत सोरेन जी का एक भाषण सुन रहा था जिसमें वे कह रहे थे कि हमने जेपीएससी का रिजल्ट रिकॉर्ड समय में निकाल कर नियुक्ति दी है, लेकिन ये जो जेपीएससी की परीक्षा हुई है 11वीं से 13वीं, इसका तो मेंस का रिजल्ट रुका हुआ है और बेवजह रुका हुआ है, क्योंकि जेपीएससी की जो निवर्तमान अध्यक्ष थी नीलिमा केरकेट्टा, उन्होंने जाते जाते कहा था कि रिजल्ट बना हुआ है। तो 31 जुलाई को जेपीएससी ने एक नोटिस भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अगस्त में रिजल्ट निकाल देंगे और अगस्त के मध्य से ही साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन सितंबर महीना बीतने को आया है, जेपीएससी के मेंस परीक्षा का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो अब लगता नहीं है कि जेपीएससी मेंस का रिजल्ट भी चुनाव के पहले आएगा, और आ भी गया तो अब इंटरव्यू की प्रक्रिया लंबी चलती है और उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया है। तो हेमंत सोरेन सरकार के मौजूदा कार्यकाल में मुझे नहीं लगता कि जेपीएससी सिविल सर्विस की भी जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है वो कंप्लीट होने जा रही है। तो जो परीक्षाएं अभी हो रही हैं जिनका रिजल्ट अभी लटका हुआ है, इनमें से किसी का भी नियुक्ति पत्र चुनाव के पहले मिल जाएगा इसमें मुझे पूरी तरह से संदेह है। तो हेमंत सोरेन और उनकी सरकार ये बताने की कोशिश करेगी कि परीक्षाएँ पाइपलाइंस में थी, हमने परीक्षा ले ली है, कुछ का रिजल्ट आ गया है, कुछ का रिजल्ट आना है, और अगर हम दोबारा सत्ता में आते हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता लंबित रिजल्ट निकाल कर लोगों को नियुक्तियां देने की होगी। लेकिन चुनावी साल है और विपक्षी दल भाजपा लगातार नियुक्तियों के मसले पर सरकार को घेर रहा है, और जो युवा नौकरियों की आस में बैठे हैं उनका साथ भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर झारखंड में नौकरियाँ एक बड़ी चुनौती है, छात्रों के लिए भी, अभ्यर्थियों के लिए भी, सरकारों के लिए भी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि 21 और 22 सितंबर को होने वाली जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा बिना किसी विवाद के, बिना किसी पेपर लीक की चर्चा के, बिना किसी कदाचार की आशंका के संपन्न हो जाए और योग्य छात्र इसमें सफल हों। धन्यवाद। नमस्कार।